क्या नजारा है भैया, टंकी कर दो फुल। ओए, कभी भी प्रकट हो सकती है ये बार। अच्छी कलर है गाड़ी की। 100 100 100। रामदेव जी बाय बाय। आजकल लोगों को जो है इंडिकेटर की भाषा समझ में नहीं आती है। This is Avirup and you are watching Throttle Mania India Official. So, आज का जो ब्लॉग है ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो बेसिकली जो है मुझे मोटरसाइकिल राइडिंग बहुत पसंद है। So, हेलो YouTube पीपल, कैसे आप सब लोग। अभी मैं हूँ करेंटली पुणे में और यहाँ पे जो है काफी जगह है घूमने। काफी दिनों से मैं YouTube चैनल एक ओपन किया था, पर क्या है कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा बाहर जाना नहीं हो पाया। तो आज काफी दिनों बाद मैं सोचा कि क्यों ना मैं बाहर निकलूं और एक राइड पे जाऊं। फिलहाल मैं हूं पुणे में और काफी सारे जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी जो है आज मैं प्लान कर रहा हूँ एक राइड के लिए। पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या है और ऐसी जो है कंडीशन रहेगी। फिलहाल तो यहाँ पे काफी दिनों से बारिश हो रही थी और जाने का मौका नहीं मिल रहा था। So, आज सोचा क्यों ना आज राइड पे निकलूं और देखते हैं क्या होता है आगे। चलते हैं रोड पे और बाकी का ब्लॉग जो है आप आगे देखिए। और गाड़ी का सर्विसिंग भी कराना है। चलिए देखते हैं अभी कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा बारिश। एक बार बैग चेक कर ले, क्या बंद है कि खुला है तुम्हारा। ऑल ओके। अब ये आ गया थोड़ा सा ऑफ रोड पैथ। रोड बहुत ही ज़्यादा है ख़राब, पर अपनी जो परी है, मैं इसको परी बुलाता हूँ, देखो भाई लोग। तो पहला ब्लॉग है। अभी क्या है कि फुटेज अभी कैसे आने वाला है क्या नहीं कुछ पता नहीं, पर कोशिश यही रहेगी कि अच्छा आ जाए, क्योंकि इतने दिनों से ब्लॉग देख देख के ऐसा लगा कि चलो कर लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे, क्योंकि करना तो है ही। तो चलो आज जो है मेरा पहला ब्लॉग है। अभी जो है मैं पहना हूँ एक राइडिंग जैकेट सिटी के लिए। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद निकला हूँ घूमने में, एक अलग ही मज़ा है। बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि बारिश के टाइम में धोने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फिर से दोबारा ये हालत पे आ जाती है गाड़ी। चलो देखते हैं यहाँ से निकाल के, पर लगता है ट्रैफिक जैम हो गया है, तो यहीं पर पड़ेगा रुकना। इतने बड़े बड़े जो है कंटेनर्स कैसे चला लेते हैं ये लोग, कितने छोटे छोटे रोड्स में। अब ये आ गया है पल्स हॉस्पिटल के सामने। ये है पिलियन, पिलियन को भी हाई। देखो भाई लोग, अभी क्या है कि पहला व्लॉग है, अभी तो उतना कंटेंट है नहीं चैनल में, फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है कि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख पाओगे। अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को बाद में जो है बताना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए।
अब जो इक्विपमेंट है मेरा, इसमें मैं कोई अडेप्टर वगैरह नहीं लगा रहा। ये जो पूरा का पूरा है ये एक मीडिया मोड सेटअप है गोप्रो के साथ। तो अभी यही है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अब ये जो है रास्ता ये सीधे जाता है बावधान। एक टाइम था जब बावधान में मैं रुकता था, दोस्त लोग जितने भी सब बावधान के ही तरफ रहते थे, तो एक अलग ही माहौल था। आज जो है कोरोना के बाद ये जगह कुछ उतना जो है उतना हैपनिंग नहीं रहा, पर फिर भी दिल चाहता है कि वहीं जाऊं, क्योंकि ये दिल मांगे मौत है कि नहीं दोस्तों। थोड़ा भगा लेते हैं अभी कि क्या है, बारिश आज दिन भर से बारिश हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि कभी भी प्रकट हो सकती है ये बारिश। और इनके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि जब भी मैं ब्लॉगिंग के लिए सोचता हूँ या घर से निकलने की कोशिश करता हूँ तब भी आ जाती है बारिश। और जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये गोप्रो जो है ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ये मीडिया मोड या कोई भी अडेप्टर इस पर लग जाता है तो इसका जो वाटर रेजिस्टेंट का जो ये फीचर है ये चला जाता है। तो गोप्रो के साथ एक अलग ही स्ट्रगल है, पर क्या है लाइफ का ही दूसरा नाम स्ट्रगल है, तो चलता है। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आज जो है बारिश ना आए। और अभी जो है बज रहे शाम के ऑलमोस्ट 5:10 बज रहे, बहुत ज़्यादा ख़राब है ये रोड कंडीशन। ऐसा लगता है कि छोटी मोटी ऑफ रोडिंग हो जा रही है एक टाइप की। चलो थोड़ा सा खुला स्ट्रेच मिला है जिसमें भगा के देखते कि कैसा है ये चीज़, कैसी आती है ये फीलिंग। 100 100 100, क्योंकि अभी जो है 200 200 नहीं बोल सकते, ये गाड़ी जो है 200 जाती ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अभी 140-145 तक चली जाती है आराम से, और छोटी कैपेसिटी की गाड़ी है, 200 सीसी की है, सो उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते इससे। पर जो भी है ये मेरी परी है, बहुत सपोर्ट की है आज तक। इसके साथ जो है काफ़ी लंबे लंबे राइड्स पे मैं निकला हूँ, और बहुत लंबे लंबे राइड्स, जो मान लीजिए जो 3000 किलोमीटर के जो राइड्स होते हैं इसके साथ कर चुका हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है ये गाड़ी, तो मज़ा आता है। तो ये हो गई बात। अभी जो है अभी हम लोग ऑलमोस्ट बावधान जो है पहुंचने ही वाले हैं, और वहाँ से कोथरूड भी ज़्यादा दूर नहीं है, मान लीजिए कि आसपास के ही जगह है दोनों। और एक टाइम पे जो है मैं कोथरूड में भी रहता था। पता नहीं आज का जो फुटेज है कैसा आ रहा होगा, पर फिर भी कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छा लगे। जो व्यूइंग एंगल है कैसा आ रहा है, कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तो अभी बाद में ही पता लगने वाला है। क्लाइंबर अच्छी कलर है गाड़ी की। ये हो गए पुलिस वाले, सारे अपने ड्यूटी के लिए खड़े हैं इधर। और सच बताओ तो बहुत मेहनत करते हैं लोग दिन भर जो है, बारिश या कोई भी सिचुएशन में, या कोरोना बोल दीजिए या कोई भी जो है, इनका जो ड्यूटी है बहुत ही अलग है। तो यहाँ से जो है पाषाण निकल सकते हैं हम लोग, पुणे यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं और बानेर भी निकल सकते हैं। तो ये जो है ये रूट भी बहुत ही स्मूथ है, पता नहीं ये इनको क्यों भटकना पड़ा रोड में।
चलो जो भी हो, अभी थोड़ा पेट्रोल डाल लेते हैं। ओके, आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। इन्होंने तो मना ही कर दिया सीधे। चलो इनके पीछे जाते हैं। भैया टैंकी कर दो फुल। अब हम कर चुके हैं फुल अप और बहुत ज़्यादा कंजेशन है यहाँ पे। और सच बोलो ना भाई लोग, आज कुछ भी हो, इतना भी भीड़ हो, जो भी हो, बाहर एक अलग ही मज़ा आता है घूमने फिरने। ये जो रोड अलग ही, जो ये रोड के साथ एक रिलेशन बन जाती है ना, ये अच्छा लगता है बहुत। जो दिन हो गए थे ये रोड को जो है मिस कर रहे थे हम, पर आज जो है अच्छा लगा। अभी जो है स्पिन ले लिए हम लोग और अभी जो जा रहे हैं सीधे अपने घर के तरफ। सो अच्छा लग रहा, एक पहले से ही एक जो है कि एक राइड करने में एक अलग ही मज़ा आता था पहले। पर क्या था कि कोई कैमरा वगैरह कुछ था नहीं अपने पास, कोई गोप्रो वगैरह या कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। पता नहीं था कि कैसे इसको शेयर करें आप लोगों के साथ या कैसे इसको दिखाए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसी जो है ये पूरी जर्नी है। सो दिस इज़ द सोल पर्पस फॉर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ थ्रॉटल मेनिया इंडिया ऑफिशियल। अब ये जो हम लोग जा रहे हैं ये रास्ता सीधा जाता है भटगांव में। सो इवन दिस इज़ अ लवली प्लेस। मैंने यहाँ पे अपने बहुत ही मज़ेदार अपने 2 साल बिताए हैं ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज़ जब मैं मास्टर्स कर रहा था फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, काफ़ी टाइम पहले एक्चुअली। ये अभी जो है 2018 में ही शायद, मोस्ट प्रोबेबली। सो काफ़ी टाइम पहले मैं यहाँ पे रहता था। सो आई यूज़ टू लव द प्लेस एक्चुअली। बहुत शांत जगह है, जो है ट्रैफिक वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है यहाँ पे फिर से दोबारा आना और गेड़ियाँ मारना, घूमना फिरना। और हाँ, मिस कर गया वड़ा पाव भी खाना। सो ये रोड जो है बंद है अभी। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जो है उड़ के जाना और नहीं तो यू टर्न लेना। अब उड़ के जा नहीं सकते क्योंकि 2 पहिए वाले हैं, तो यू टर्न लेना ही ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए पीछे से जो है अंकिता जी बाबा रामदेव की जय बोल रही है। ये बहुत बिग फैन एक्चुअली, शी इज़ अ बिग फैन रामदेव जी। दूसरा एक जो रास्ता है वो है कि ऊपर से अगर मैं नीचे के तरफ ले जाऊं तो वही डेस्टिनेशन पे ऐसे भी पहुंच सकते हैं। सो दैट वॉज अ बम्पी राइड दोस्तों। रोड कंडीशंस उतने खास नहीं है इस एरिया में फिलहाल, स्पेशली बारिश की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। देखते हैं दुकान खुली मिलती है या नहीं। यहाँ पे भी काम चालू ही है, तो अभी जो है गाड़ी लगाना है। चलिए यहाँ लगा देते हैं। चलिए
चलो बाय बाय। तो अभी जो है वाओ क्या नज़ारा है, अच्छी लगती है नहीं इतने अच्छे लाइट्स वगैरह देख के। हाँ ऐसा लगता है कि दिवाली चालू है, अच्छा लगता है। दोस्तों कोरोना के बाद से जो है ना मौसम बहुत ही ज़्यादा गुमसुम और मायूस हो गया था, पर अभी ऐसा लग रहा है अच्छा है, लोग एफर्ट्स दे रहे हैं फिर से वो जो पुरानी लाइफ है वो वापस लेके आने के लिए, और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है आरती हो रही है मंदिर में, काफी सारे मंदिर है यहाँ पे। हाँ हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। सो वी आर नाउ हेडिंग बैक टू आवर प्लेस। सो ये जो है ये वडगांव से हम लोग निकल रहे हैं, वडगांव से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं अम्बे गाँव के ओर। तो उसके लिए एक हाईवे पड़ता है बीच में, सो काफी रश चालू हो गई है यहाँ पे। और ये देखिए गाइस गणपति के जो भी है प्रिपरेशन वगैरह, गणपति का जो भी कवरेज चाहिए आप लोगों को या जो भी वीडियोस चाहिए कैसे यहाँ पे मनाई जाती है वगैरह जो भी है, अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ताकि उस हिसाब से हम लोग आपको दिखा पाए कि कैसे होता है यहाँ पे माहौल, कैसे बनती है गणपति के टाइम। फॉर अपडेट्स प्लीज़ विजिट माई इंस्टाग्राम पेज थ्रॉटल मेनिया इंडिया, सो दैट इज़ द नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। सो प्लीज़ डू विजिट दैट पेज एंड स्टे अपडेटेड, क्योंकि जो भी सारे जितने भी अपडेट्स हैं पहले हम लोग इंस्टाग्राम में डालेंगे और उसके बाद ही जो है आप वीडियोज पे देख पाएंगे। सो प्लीज़ स्टे अपडेटेड। सो ये हम लोग अभी आ गए हैं हाईवे पे, ये जो हाईवे है ये सीधे कनेक्ट करती है कातरज। सो कातरज से अगर कोई ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। जब गाड़ी भागती है तो एक अलग ही मज़ा आता है, पर थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो यहाँ पे थोड़ा देख के ही भगाना चाहिए। अब यहाँ से जाना है हम लोगों को लेफ्ट, पता नहीं अभी आजकल लोगों को जो है इंडिकेटर की भाषा समझ में नहीं आती है, अभी उनको हाथ पैर सब दिखा के समझाना पड़ता है कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जाने वाले। एनीवे इवन दैट पार्ट ऑफ राइडिंग दीज डेज, ऐसे ही चलता है, सॉरी आई मीन ऑन इंडियन रोड्स ऐसे ही चीज़ें होती है। सो दिस इज अ स्मॉल अंडरपास जिसके नीचे से हम लोग जाएंगे, एंड दिस इज अ शॉर्टकट रूट जो सीधे जाता है मेरे घर की तरफ। तो गाइज इट्स बीन अ लवली डे, एंड सच बताओ तो बहुत अच्छा लगा आज निकल के, बहुत दिनों बाद आफ्टर कोरोना लॉकडाउन एंड आपका जो बारिश वाला जो सीन है सब खत्म होने के बाद अच्छा लगा। कोशिश यही रहेगी कि रोज व्लॉग देंगे, डेली व्लॉग्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ ऑलवेज टू यू नो शोकेस माई लाइफ कि क्या चल रहा है। होता है ना एक रोजमर्रा के लाइफ में सब लोग चाहते हैं कि चलो देखते हैं कि क्या चल रहा है किसी के लाइफ में, बस दैट्स इट। आई एम नॉट अ बिग पर्सन और समथिंग, सो बस यही चाहता हूँ कि जहाँ जाता हूँ या जो भी मेरे साथ होती रहती है आप लोग देखें और उसको बताएं कि क्या देखना चाहेंगे आप लोग और व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वुड प्रेफर मेनली। सो व्लॉगिंग जो है बेसिकली पूरी एक ऐसी चीज हो जाती है कि सब कुछ दिखाना पड़ता है, कवर करना पड़ता है एट एनी काइंड ऑफ कंडीशन, चाहे वो खराब रोड कंडीशंस हो या रफ ट्रैफिक और कंजेस्टेड ट्रैफिक कंडीशंस हो, कुछ भी हो। सो दैट्स अ चैलेंज एंड एज यू नो गाइस आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो या महंगाई बढ़े जा रही है, एनीवे ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती रहती है। चलो अभी देखते हैं कि हीर का क्या हाल है, तो देखते हैं हीर को अभी ढकना चाहिए या थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो है बहुत गर्म रहती है आजकल हीर। अभी हीर का जो इंट्रोडक्शन है वो जिस दिन हीर के साथ मैं व्लॉग करूंगा जो बहुत जल्दी आने वाला है। एक्चुअली ये जो रेनी सीजन है इस वजह से आज हीर को आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, पर बहुत जल्द हीर से आप सबको मिलाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और समझ में आ जाए क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। शी हैज़ बिकम अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, एंड अंकिता जी इज़ ऑलवेज माई पिलियन, इवन दैट इज़ अ पेनफुल थिंग। एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा बहुत गाड़ी रफ चला लेता हूँ तो शी बियर्स ऑल द पेन। बिग थैंक्स टू अंकिता फॉर स्टेइंग विद मी थ्रू आउट द जर्नी।
सो राइट नाउ टाइम फॉर द व्लॉग टू एंड बिकॉज वी हैव रीच्ड आवर प्लेस. सो टाटा बाय बाय और फिर मिलेंगे ऑन आवर नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन राइड सेफ राइड फ्री.